नमस्कार, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट चैनल में। साल 2020 के 47वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में काफी उथल पुथल मची हुई है। कई हफ्ते के बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने धमाकेदार एंट्री मारी है, तो वहीं सीरियल अनुपमा ने इस बार भी बाजी मार ली है। स्टार प्लस के इस सीरियल में इन दिनों अनुपमा और वनराज का रिश्ता ताक पर है। ऐसे में दर्शक इस सीरियल को बड़े ही चाव से देख रहे हैं। इस हफ्ते इस सीरियल को टीआरपी लिस्ट में पहला नंबर मिला है। करण और प्रीता की जिंदगी में इन दिनों माहिरा जमकर जहर घोल रही है। ये ट्विस्ट दर्शकों को खूब रास आ रहा है। यही वजह है कि ये सीरियल लगातार टीआरपी में धमाल मचा रहा है। पिछले हफ्ते ही सोनी टीवी पर आने वाले धमाकेदार रियलिटी शो का फिनाले हुआ है। शो के फिनाले ने खूब धमाल मचाया है। शब्बीर आलूवाले और श्रुति झा स्टारर सीरियल कुमकुम भाग्य के उस हफ्ते पांचवा नंबर मिला है। कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में प्रज्ञा और अभि की लव स्टोरी एक बार फिर से पटरी पर आने लगी है, लेकिन लगता है कि किस्मत में इन दोनों का मिलना लिखा ही नहीं है। तभी तो सीरियल कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में प्रज्ञा और अभि का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। इस बात का सबूत सीरियल कुमकुम भाग्य का प्रोमो है, जिसमें अभि प्रज्ञा को अपनी जिंदगी से जाने के लिए कह रहा है। सीरियल कुमकुम भाग्य के प्रोमो में अभि कहता है कि वह मीरा के साथ शादी करने जा रहा है। वह अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। मीरा उसकी बेटी को माँ का प्यार दे रही है, ऐसे में अब वह मीरा से शादी करके अपनी बेटी को माँ देने जा रहा है। सब टीवी के इस कॉमेडी शो ने एक गैप के बाद टॉप 5 शोज की लिस्ट में एंट्री मारी है। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही चटपटी खबरों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।